बहुत इन्जॉय किया। ये जो शो है वो उस प्रोडक्शन हाउस में बना है जिससे मैंने मेरा एक बहुत गहरा संबंध है, मेरी फैमिली जैसा है ये प्रोडक्शन हाउस। और जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं आतिश कापड़े और जेरी मजीठिया, ये हम लोगों ने बहुत सारा काम साथ में किया है और हम वाकई एक फैमिली की तरह महसूस करते हैं और हमेशा हैं। तो मेरे लिए तो ऐसा है जैसे मैं घर वापस आई हूँ और अपनी फिल्म लेके आई हूँ, उसकी और बेहद खुशी है मुझे, क्योंकि हमारी जो फिल्म 21 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है ऑल इज़ वेल, उसके प्रमोशंस के लिए आई हूँ और इसीलिए सोने पे सुहागा ऐसा हो लग रहा है। जो मेरा कैरेक्टर है वो एक बिखराव है उसके दिमाग में, एक थोड़ा सा हिली हुई है, तो वो किसी भी जगह पे पहुंच जाती है, वो घूमते घूमते इस घर में पहुंचती है और इस घर के लोगों के साथ इसका एक छोटा सा इंटरेक्शन। कॉमेडी करना कितना मुश्किल है अगर बात करें कॉमेडी की? अगर बात करें कॉमेडी, मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है, क्योंकि लंबे अरसे तक किसी को हंसा पाना एक बेहद मुश्किल चीज़ है और अच्छी कॉमेडी करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और मुझे लगता है आतिश एक वन ऑफ द राइटर्स हैं, ओनली राइटर्स, आई फील वन ऑफ द ओनली राइटर्स जो एक्चुअली कॉमेडी लिख पाते हैं और उसको डायरेक्ट कर पाते हैं, उसको ऑडियंस को ले से वो कॉमेडी का एक्सपीरियंस दे सकते हैं ऑडियंस को, और विदाउट कोई भी किसी के ऊपर जोक मारे बगैर या किसी कोई भी डबल मीनिंग की चीज़ें बोले बगैर वो एक बहुत साफ़ सुथरी कॉमेडी वो बना सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप घर के मुखिया हैं यहाँ पर? जाऊँ तो मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बट रियली वी फील वेरी ब्लेस्ड कि आज हमारे साथ सुप्रिया जी आई हैं यहाँ पर, और एक्चुअली हमारे यहाँ शादी का माहौल है और वो यहाँ उनकी फिल्म के लिए आए हैं ऑल इज़ वेल, जो 21 अगस्त को रिलीज़ होने वाली है, और उनमें वो उनका कैरेक्टर है जो वो कहीं पर भी चली जाती है, तो वो आज हमारे घर पे आई है और हमारे घर पे कोई आया है, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। कितनी आपने कभी सोचा था कि अभिषेक बच्चन और वो ऐसा लगता है कि जैसे हम कभी कोई ऐसे ही बाय फ्लूक कुछ सोच लेते हैं ना कि मैं कल कुछ ऐसा बन जाऊं या मैं कल कुछ ऐसी हो जाऊं, तो हम एक सीरियल कर रहे थे अलक्ष्मी, सेम प्रोडक्शन हाउस का, तो उसमें ये मेरी सास बनी हुई थी सुप्रिया जी, बट ऐसा था कि हमने एक भी सीन साथ में नहीं किया था क्योंकि वो उनमें उसमें उनका कैरेक्टर डिफरेंट था, मेरा कैरेक्टर डिफरेंट था, बट मैं तब ऐसा विश करती थी कि काश एक सीन में साथ में कर पाती उनके, तो आज वो मेरी विश भगवान ने पूरी कर ली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मरी हुई कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर जो मेरा था वो मर चुका था और फ्रेम में जिंदा था, तो वो पूरी शूटिंग के दरमियान मैं कभी भी सेट पे बहुत कम आई हूँ, मैं अकेली एक अलग से कमरे में ग्रीन स्क्रीन पे काम कर लेती थी और फिर प्ले होता था वो इन लोगों के सीन्स में, तो मुझे किसी के साथ उस वक्त काम करने का मौका ही नहीं मिला था, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस सेट पे आई हूँ और हम साथ में कर पा रहे हैं। मैंने गुजराती एक बहुत फनी कैरेक्टर किया था हंसा नाम से, जो एक सीरियल था खिचड़ी, उसमें मैंने प्ले किया था, तो ये भाषा मेरी मदर टंग है, मेरी माँ गुजराती थी, तो बचपन से सुनती आ रही हूँ, मुझे लैंग्वेज में कोई फ़नी चीज़ नहीं लगती, लेकिन जिस तरह से इसको हम प्ले कर सकते हैं, जैसे कोई भी लैंग्वेज जिस तरह से आप प्ले करते हो, वो कैरेक्टर बनाते हो, वो फ़नी होता है, तो क्योंकि हम सब वो लैंग्वेज जानते हैं तो हम लोग सेट पे भी उसी तरह से, मतलब उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं करते जैसे कैरेक्टर्स करते हैं। अभी वो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, कहानी चार लोगों की है, एक फैमिली की है, और उस फैमिली को हम कैसे एक बिखरी हुई फैमिली को कैसे हालात साथ जोड़ सकती है, या क्या क्या हम अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करते और क्या क्या हम अपने बच्चों के लिए नहीं करते, और ये एक होलसम कहानी है जिसका एक बहुत अच्छा मॉरल है, अच्छी बात बता कहती है ये कहानी, और बट किसी प्रीची वे में नहीं कहती,
ये हंसी मजाक में मस्ती में हंसा के लोगों को हम ये बात कहते हैं कि हम काफ़ी हद तक अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, उनकी ख्वाहिशें, उनकी चीज़ें, और पेरेंट्स अपने स्वार्थ के लिए काफ़ी हद तक हम बच्चों के प्रति नहीं देखते। तो ये फैमिली, ये कहानी ये कहती है कि हम सब साथ मिलके जब रहेंगे तभी सब कुछ ऑल इज़ वेल। आप क्या कहना चाहेंगे, आज अभिषेक जी आए हैं, मैम हैं, और सबसे एक से कलाकार हैं, एक से फनी किरदार हैं यहाँ पर जी। मैं तो भगवान से करते हुए नहीं, आज भी कुछ ना कुछ तो कॉमेडी करेंगे। हाँ, वो तो है, अभी हमारा वो तो काम ही है, हम आपको हंसाना चाहते हमेशा ही, और ऐसा चाहते कि ऑल इज़ वेल हो हमेशा सबके साथ। और मैं इनको ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि 21 अगस्त को इनकी जो फिल्म रिलीज़ हो रही है वो ब्लॉकबस्टर हो, और सबको अपने कहीं ना कहीं अपने आप को उसके साथ जुड़ पाए हम भी, और ऑल द बेस्ट। मैं ऐसा कहने भाई, सुपर फिल्म छे जो ऑल इज़ वेल, ऑल द बेस्ट।